और वो हॉकी के जादूगर थे, वो हॉकी को ऐसे खेलते थे जैसे वे बाल को स्टिक रखते थे उस पर हॉकी चिप जाती थी, ऐसे लोग कहते थे भाई इसकी हॉकी में जादू है। और हमने वहाँ पे स्टेडियम में जब हमारे ध्यानचंद से मुलाकात हुई हमें बहुत खुश हुई। नमस्कार, इस समय हम गांव हाबड़ी में जहां हॉकी का इंटरनेशनल स्तर का जो स्टेडियम है वहां मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है, जिसके मौके पर तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ साफ तौर पर किस तरह से जो स्टेडियम में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक भी काटा जा रहा है और जो टूर्नामेंट है हॉकी का वो करवाया जा रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए जो कोचेज हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद का किस तरह से हॉकी में योगदान रहा और क्या कुछ इस अवसर पर वो कहना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, नाम आपका? मैं रामदिया डीपी पीटीआई गवर्नमेंट स्कूल हाबड़ी जी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में प्रयागराज में हुआ था 29 अगस्त को जी। और मेजर ध्यानचंद ने इतने बढ़िया खिलाड़ी थे, उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हमारा गांव हॉकी में पहले से ही अव्वल रहा है और हमारे जो खिलाड़ी हैं यहां पर कम से कम 200 खिलाड़ी हमारे यहां खेलते हैं और जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों शामिल हैं। और मेजर ध्यानचंद जी आपको पता ही है, इनके नाम पे ही स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है जी। आज अगर मैं बात करूं तो किस तरह का टूर्नामेंट जो हाबड़ी में हुआ है? आज टूर्नामेंट अगर लगाया जाए तो ये फ्रेंडली टूर्नामेंट था जिसमें प्रदर्शनी मैच था, जिसमें हाबड़ी और हाबड़ी ओपन जो बच्चे थे उन्होंने प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जी। हाँ जी, तो हमने बातचीत भी की तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे हॉकी के जो मैच हैं वो खेल रहे हैं और वो केक है वो काटा जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर प्रकाश डाला, तो और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो हाबड़ी का, आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल का जो स्टेडियम है, यहाँ हर रोज 200 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो तैयारियाँ करते हैं जी। मैं यहाँ से हाबड़ी से सीनियर प्लेयर विवनजीत सिंह हूँ जी, कि हमारे यहाँ गाँव हाबड़ी में जो एक्स्ट्रा टर्फ लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से, इसमें तकरीबन 14-15 करोड़ की लागत से ये स्टेडियम तैयार हुआ है। हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ जितनी भी फैसिलिटी हैं इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी हैं जी, तो हमारे साथ हमारे भाई गुरमीत सिंह जी हैं, कोच साहब जी हैं, इन सब ने कैथल डीएस ऑफिस से हमारे पास पहुँचे हैं। आज जैसे मेजर ध्यानचंद के उन्होंने हमारे पास इस चीज़ का मैसेज मिला कि आज हम यहाँ ये प्रोग्राम करना चाहते हैं जी। तो उनकी बदौलत ये यहाँ आज सारा जो फंक्शन हुआ है, ये हमारे कोच साहब आए हुए थे कैथल से डीएस ऑफिस से, तो इन्होंने हमारा साथ दिया, तो आज इस चीज़ को हमने भरपूर आनंद लिया। और हमारे दादा मेजर ध्यानचंद जी, इनको जन्मदिन मनाने में हमारी सहायता की और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि डीएस ऑफिस ने हमारे गांव को यह सौभाग्य दिया कि ये फंक्शन हमारे गांव में किया जी। मैडम आप बताइए, मेजर ध्यानचंद का जो मतलब किस तरह से योगदान हॉकी को आगे बढ़ाने में निकल रहा है, क्या कुछ? सर ये खुद ही मतलब बहुत अच्छे जो हैं प्लेयर रहे हैं मतलब हॉकी के लिए, तो सभी जानते हैं इनके बारे में जी, तो इन्हीं से प्रेरणा लेके हम सब जो है बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मेरा नाम हरविंदर सिंह, मेरे गांव हाबड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने मैट्रिक की परीक्षा यहीं से की थी, इससे मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। उसके बाद मैंने खालसा कॉलेज करनाल में 1974 में चैंपियनशिप यूनिवर्सिटी जीती थी। उसके बाद हम दिल्ली टूर्नामेंट फैनली खेलने के, वहाँ पर एक मैच हुआ था एशिया 11, उसमें अजीत पाल सिंह पंजाब के कैप्टन थे, वहाँ पे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मैच देखने के लिए आई हुई थी। और हमने वहाँ पे स्टेडियम में जब हमारे ध्यानचंद से मुलाकात हुई हमें बहुत खुश हुई। वो उनको बोला वो जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर हैं, उनके बेटे अशोक भी मिले, ऑटोग्राफी हमें उन्होंने दी, तो उन्होंने हमारे कमरे का इंतजाम किया, हम बड़े खुश हुए। वहाँ पे हमारी बहुत स्पेक्ट की ध्यानचंद ने, मित्र ध्यानचंद ने, मतलब हॉकी प्लेयर हो आप? हाँ, हॉकी प्लेयर है। खेली आपने और कब मिले थे, कौन से सन में? 1974 में। 1974 में हाँ जी, हाँ जी, ध्यानचंद के साथ नहीं खेले, नहीं वहाँ मिले थे, हमारे कमरों का इंतजाम उन्होंने किया था नेशनल स्टेडियम में, वहाँ थे, वहाँ उनके बेटे खेलते अशोक कुमार। जैसे जो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो टूर्नामेंट वो करवाया जा रहा है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो हॉकी के प्लेयर हमारे साथ गांव हाबड़ी के हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है? प्रिंस है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे जैसे मेजर ध्यानचंद का जन्मदिवस है?
वो 1905 में हुए थे, जन्म हुआ था उनका, और बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी थे जी। तो उनके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल आए थे, इस करके आगे हॉकी जो बढ़ लिया, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो मतलब कितने दिन से तैयारी कर रहे हो आप हॉकी जैसे खेलते? मैं 3-4 साल। तो हमने बच्चों से बातचीत भी की, तो अब बातचीत करेंगे जो हमारे साथ कोचिज हैं सीनियर, जो आज यहाँ स्पेशल आए हुए हैं मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन मनाने के लिए, उनसे कि क्या कुछ मैसेज और संदेश खिलाड़ियों को अपनी तरफ से देना चाहेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह, मैं यहाँ बॉक्सिंग कोच जिला खेल अधिकारी कहता जी। ये मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन हमारे यहाँ पर इंडिया हरियाणा में मनाया जाता है। इसका मेजर ध्यानचंद ने लगातार ओलंपिक में हमें गोल्ड दिलवाया था जी। और वो हॉकी के जादूगर थे, वो हॉकी को ऐसे खेलते थे जैसे वे बाल को स्टिक रखते थे उस पर हॉकी छिप जाती थी, ऐसे लोग कहते थे भाई इसकी हॉकी में जादू है जी। और वो देखने को मिला दुनिया को, इसलिए उसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है जी। और ये हमारे यहाँ पर कैथल में आबड़ी गाँव में इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेडियम सरकार ने हमें दिया है, इसका हमें बहुत आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। पहले भी आबड़ी गाँव से बहुत बच्चे निकले हैं, अपने स्पोर्ट डिपार्टमेंट में भी इस टाइम भी 3 या 4 कोच आबड़ी गाँव से ही हैं। और ये आने वाले टाइम में जब तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, तब तो बहुत सुविधा हो गई है। ये आने वाला टाइम आबड़ी गाँव के लिए बहुत ही सुनहरा है, और आगे हम भी चाहेंगे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलें। तो हमने बातचीत की कोचिज से और जो प्लेयर हैं जो हॉकी की लगातार तैयारी करते हैं उनसे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके। और आपको बता दें कि आज जो इंटरनेशनल जो स्तर का हॉकी का जो स्टेडियम है, इस पर जो मैच चले हुए हैं, किस तरह से जो बच्चे हैं वो मैच खेल रहे हैं, तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से, कितना शानदार तरीके से जो स्टेडियम बनाया हुआ है। तो आपको जानकारी दे दें कि अभी इस स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद के जो जन्मदिन उसके अवसर पर डे नाइट मैच भी जैसे हो सकता है। तो लेटेस्ट जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।